अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी मलाईदार और डिलीशियस फिरनी। तो इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध, फुल फैट मिल्क है ये और टोन दूध नहीं लिया है। टोन दूध लेने से फिरनी में वो टेस्ट नहीं आता है जो मलाईदार दूध लेने में टेस्ट आता है। तो दूध को हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। ये देखिए कैसी मलाई इसमें पड़ी हुई है, इसको हमने तेज़ आंच पर बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब इसमें हम फिर और दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। और साथ ही साथ हमने लिया है चावल, 50 ग्राम हमारे चावल हैं, इसको हमने आधे घंटे पहले भिगा के रख दिया था। चावल हमें बहुत अच्छा वाला नहीं चाहिए, बस जो रेगुलर चावल होते हैं, छोटे छोटे टूटे हुए चावल, वो चलेगा, जिनमें लस ज़्यादा होता है और फिरनी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप चावल की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिए, अगर आप कम गाढ़ी रखना चाहते हैं, पतली रखना चाहते हैं तो चावल की क्वांटिटी को आप कम कर दीजिए। लेकिन ये बेस्ट रेशियो है, 1 लीटर दूध में अगर आप 50 ग्राम चावल डालेंगे तो ये एक बेस्ट रेशियो है। और साथ ही साथ हमने लिया है शक्कर, शक्कर ये हमने लिए है 4 टेबल स्पून, यानी कि थोड़ी सी 100 ग्राम से ज़्यादा शक्कर है हमारी। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ये हमारा घिसा हुआ नारियल है। अगर आपके पास घिसा हुआ नारियल नहीं है तो आप जो गोले वाला नारियल होता है उसे आप कद्दूकस कर लीजिए। और थोड़े हमने लिए हैं मेवे, ये हम खीर के अंदर डालेंगे। गार्निशिंग के लिए जो ड्राई फ्रूट चाहिए वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमने ये लिया है 7-8 बादाम, थोड़े हमने लिए हैं काजू और 2 हमने लिए है छोटी इलायची। दूध बॉयल्ड होने लगा है, इसे हम स्लो आंच पे कर देंगे। फिरनी अगर हम बना रहे हैं या खीर बना रहे हैं तो इसमें शक्कर सबसे लास्ट में डाली जाती है, नहीं तो दूध के फटने के चांसेस रहते हैं। और साथ ही साथ इसे हम डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा जल, ये हम बाद में डालेंगे खुशबू के लिए। अगर आपको केवड़ा जल नहीं डालना है तो आप इसमें रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो पहले हम चलिए चावलों को हल्का सा दरदरा पीसेंगे, बहुत इसे महीन पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरा सा पीस के लाएंगे। इसके लिए सारा इसका हम पानी निकाल देंगे और बिल्कुल दरदरा सा चावलों को पीस लेते हैं। ये देखिए चावलों को हमने पीस लिया है, ये बिल्कुल महीन हमने पेस्ट ऐसा नहीं किया है, ये देखिए बिल्कुल ये दानेदार से हमने महीन पीसे हैं जो पकने के बाद बिल्कुल मोतियों जैसे लगते हैं। और इनको हम पकते हुए दूध में डाल देंगे। दूध में एक बॉयल आ चुका है, ऐसे हम चावलों को मिला देंगे और इसे तेज़ आंच कर देंगे ताकि चावलों में गुठलियाँ ना पड़ने पाए, और लगातार चलाते रहेंगे। आपको मालूम है कि फिरनी को फिरनी क्यों कहा जाता है? फिरनी और खीर में क्या फ़र्क है? फिरनी और खीर में कोई ख़ास फर्क नहीं है, चावल और दूध से खीर भी बनती है, चावल और दूध से फिरनी भी बनती है। फिरनी को फिरनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिरनी को ऐसे चलाते रहेंगे, फेरते रहेंगे, चम्मच को फेरते रहेंगे और तब हमारी बनके फिरनी तैयार हो जाती है। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे, फेरते रहेंगे और धीरे धीरे पकते पकते हमारी फिरनी तैयार हो जाएगी। दूध और चावल को यूं ही लगातार चलाते रहेंगे ताकि बीच में नीचे चिपकने ना पाए। देखिए थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इसको हम पकने देंगे और अपने मिक्सी के जार में जो हमने ये नारियल लिया था और ये बादाम काजू और इलायची लिया था इसको डाल देंगे और एक दरदरा सा पीस लेंगे। पहले हम काजू बादाम और जो छोटी इलायची है इसको हम पीस लेते हैं, मोटा मोटा सा कूट के लाएंगे, बहुत बारीक नहीं करना है। इसको हमने ऐसे दरदरा सा पीस लिया है और इसी में साथ साथ डाल देंगे नारियल। इन सारी चीज़ों को एक साथ फिर से दरदरा कर लेंगे। ध्यान रखना है कि दरदरा करना है, महीन नहीं करना है। कि बढ़िया से हमारे दरदरे से ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना, यूँ ही हमें दरदरा दरदरा रखना है। इसमें देखिए इलायची के दाने भी ये दिख रहे हैं, अगर आप इलायची के दाने इस तरह नहीं डालना चाहते तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये भी इसी में हम डाल देंगे जो हमारी फिरनी तो ये पक रही है। और देखिएगा इसके डालने के बाद कितनी जल्दी हमारी फिरनी गाढ़ी होने लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। बस इसे हम 10 मिनट तक यूं ही चलाते हुए पका लेंगे। चलिए हम आपसे 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तेज़ आंच पे इसे चलाते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं लगातार। अब इसे हम 10 मिनट मीडियम स्लो आंच पे करके पका लेंगे ताकि जो चावल है और जो मेवे हैं, इलायची है, इनका जो फ्लेवर है आपस में अच्छे से घुल मिल जाए और एक बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। फिरनी को लगातार पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये 10 मिनट से इसको हम लगातार चलाते हुए
धीमी आंच पे पकाया है और देखिए किनारे किनारे कैसी इसकी मलाई सी बन गई है। तो हमें अपने फिरनी को रिच, क्रीमी और मलाईदार बनाना है। तो फिरनी को मलाईदार बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे तो भी ये मलाईदार और क्रीमी सी बन जाएगी, रिच। आप चाहें तो इसमें मावा यानी कि खोया भी डाल सकते हैं। और मेरे पास सबसे आसान तरीका है इसको क्रीमी बनाने के लिए, ये दूध की जमी हुई गाढ़ी मलाई। तो अपनी फिरनी को हम इसी मलाई से रिच बनाएंगे। ये हमने लिया है आधा कप गाढ़ी गाढ़ी मलाई है, इसको हल्का हल्का फेंट लेंगे और अपनी जो ये फिरनी तैयार हो रही है इसमें डाल देंगे। और देखिए कितनी हमारी जो फिरनी है कितनी शाइनी, कितनी ज़बरदस्त सी हो जाएगी। और अब इसमें हम डाल देंगे जो हमारी शक्कर है। शक्कर को आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आज की जो मेरी कुकिंग की जो वीडियो बन रही है, आज ये वीडियो मेरी मम्मा के घर पे बन रही है, क्योंकि आज अपनी मम्मा के घर पे हम आए हुए हैं। और अभी इधर दो तीन दिन जितनी भी वीडियो हमारी शूट होगी वो सब यहीं से यानी कि मेरी मम्मा के घर से ही शूट होगी। और बस इसकी गैस को तेज़ कर देंगे। अभी तक हमने इसको मीडियम पे रखा था, अब इसको हम हाई फ्लेम पे कर देंगे। इसको तब तक चलाना है जब तक कि शक्कर हमारी घुल नहीं जाती है। शक्कर डालते के साथ ही फिरनी थोड़ी सी पतली हो जाती है, इसका जो टेक्सचर हो जाता है थोड़ा सा पतला पतला हो जाता है। तो इसे हम दो चार मिनट के लिए यूं ही चला लेंगे। फिरनी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब इसे हम डालेंगे केवड़ा जल या केवड़ा वाटर। और अगर आपको केवड़ा वाटर की खुशबू नहीं पसंद है, वैसे तो सभी को बहुत पसंद रहती है, तो आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून हम डाल देंगे केवड़ा वाटर और गैस को कर देते हैं बंद। फिरनी हमारी ये ठंडी हो जाएगी तो इसे हम फिर डिश आउट कर देते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले